हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह का टाइम था और आप सभी को पता है कि सुबह ये ड्यूटी जाते टाइम टिफ़िन लेके जाते हैं। टिफ़िन में कभी कभी सब्जी रोटी लेके जाते हैं तो कभी कुछ नाश्ते वाली चीज़ लेके जाते हैं। तो आज मैंने पापड़ा बनाया था, वो लेके गए थे टिन में। ये साइड में आपको कढ़ाई में दिख रहा है, वो पापड़ा है और कुछ लोग उसे पापड़ कूट भी बोलते हैं। मतलब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आप पापड़ा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पिछली बार मैंने पापड़ा बोला था तो कुछ मराठी ही बोल रहे थे कि इसे पापड़ कूट बोलते हैं। बट अलग अलग साइड की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो हमारे साइड में पापड़ा बोलता है, पापड़ कूट भी बोलते हैं यहाँ पे, बट ज़्यादातर पापड़ा ही बोलता है। तो मैं पापड़ा ही बोलती हूँ, मेरे मुंह में वही पड़ा है पापड़ा। तो यहाँ पर वो बना लिया है और उनके लिए यहाँ पर मैंने टिफ़िन निकाल लिया है, मतलब टिफ़िन उनका पैक कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने उनको खाने के लिए भी दे दिया था, तो वो खा रहे थे वहाँ पर डाइनिंग पे, और यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर रही थी उनके लिए। और मैंने हम दोनों के लिए चाय भी छान ली है, तो हम दोनों अभी चाय पी लेंगे और उसके बाद वो ड्यूटी चले जाएंगे। वो ड्यूटी चले गए थे, उसके बाद मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा चलो पहले हेयर पैक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए हेयर पैक। उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट ऑयल एक बाउल में, और कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने रीठा पाउडर उसमें ऐड किया है, एक चम्मच रीठा पाउडर लिया है, एक चम्मच आंवला पाउडर लिया है और एक चम्मच मैंने लिया है शिकाकाई पाउडर। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी कोकोनट ऑयल में, और उसके बाद इसे अपने स्कैल्प में अप्लाई करूँगी। आपको इसे स्कैल्प में अप्लाई करना है और पूरे हेयर पे नहीं लगाना है, आपको स्कैल्प में अप्लाई करना है, और जो बचा हुआ है आप उसे अपने बालों पे लगा सकते हो। और हाँ, मैंने जो भी पाउडर इसमें यूज़ की है उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, और इसी वजह से ये जो पैक बना है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले मैंने इसमें रीठा ऐड किया है, तो रीठा आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है, आपके बालों के ड्राइनेस को, फिजीनेस को दूर करता है, और उसके बाद ये आपके बालों को शाइनी एंड सॉफ्ट बनाता है, और ये नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है आंवला पाउडर, तो आंवला पाउडर भी नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, आपके स्कैल्प को कंडीशन करता है। उसके बाद ये आपके बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसके बाद ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और आपके बालों को एक वॉल्यूम देता है। और अगर आपके बालों में जुए वगैरह है तो उसे भी ये ख़त्म करता है, और उसके बाद आपके बालों को मैनेजेबल एंड शाइनी बनाता है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड की है शिकाकाई पाउडर, तो शिकाकाई पाउडर के भी बहुत ज़्यादा अच्छे गुण हैं, तो ये भी आपके बालों को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को भी बनाए रखता है, और अगर आपके बालों में इचिंग और ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो उसे भी ये दूर करता है, और ये भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी एंड मैनेजेबल बनाता है। तो इसी वजह से मैंने ये तीनों पाउडर इसमें ऐड की है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये वाला पैक। इस एक पैक को लगाने से जो भी आपके बालों के प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाएंगे, और आप बाल इससे बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या आपके बाल झड़ते हैं, या आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती, तो ये पैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं तो बोलती हूँ कि ये एक ही पैक आपके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हेयर से रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में ये एक ही पैक इफ़ेक्टिव है। तो इसी वजह से ये पैक अप्लाई कर लेती हूँ मैं हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स है तो आप ये वाला पैक अप्लाई कर सकते हो, और इसे अप्लाई करने से आपको बहुत ज़्यादा आपके बालों में फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। और इस पैक को बनाने के लिए मैंने तीनों पाउडर ओरिजिन्स की यूज़ की है, क्योंकि ये जो पाउडर है वो प्योर एंड नेचुरल पाउडर है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, इसी वजह से मैं यही पाउडर यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। I know where we can go, and it's all you.
सरप्राइज यहाँ पर बच्चों को दूध बिस्किट दे दिया था और अपना वो दूध बिस्किट खा रहे थे। और मुझे नहाना था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था और पैक लगा के आधा एक घंटा हो ही गया था। तो आधे एक घंटे के बाद आपको कोई भी आपके फेवरेट शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और मैं बनाने वाली हूँ लंच। तो लंच में आज बनने वाला है कढ़ी घोड़े। और किस किस को कढ़ी घोड़े पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और महाराष्ट्र में फेमस है कढ़ी घोड़े। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, मैंने यहाँ पर तुअर की दाल जो है वो भिगो के रख दी थी 2 कटोरी। मतलब आपको तुअर की दाल समझ में नहीं आएगी तो अरहर की दाल मैंने 2 कटोरी भिगो के रख दी थी और वो भीग गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर छन्नी में उसको छान लिया है, उसका पानी पूरा निकल जाए उसके बाद हमें उसका पेस्ट बनाना है। उससे पहले हमें एक पेस्ट और बनाना है, मिर्ची का पेस्ट। तो उसके लिए मैंने मिर्ची ली है, कुछ हरी मिर्च ली है, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है जीरा और कड़ी पत्ता, उसका पेस्ट बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये पेस्ट बन जाए उसके बाद हमें उसी पेस्ट को निकाल लेना है और उसके बाद उसी क्या बोलते हैं पॉट में हमें ये दाल पीस लेनी है। दाल पीसने से पहले मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी करूँगी। तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, आपके पास छाछ है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर मेरे पास दही था तो मैं दही लिया है मैंने। और उसके बाद उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन और उसे अच्छे से फेंट लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे फेंट सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक वाला। अगर नहीं है तो आप इस वाले हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हो और नहीं तो आप इसे मिक्सी के पॉट में भी घुमा सकते हो। तो बस इस तरह से आपको इसे फेंट लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आपको इसमें नमक भी ऐड कर देना है और साइड में रख देना है। साइड में इसलिए रखना है कि ये कढ़ी के लिए यूज़ होगा, उसके पहले हमें दाल पीसनी है। तो दाल पीसने के लिए हमें उसमें ही जिसमें हमने क्या बोलते हैं हरी मिर्च का पेस्ट निकाला था उसमें से पेस्ट मैंने निकाल लिया है। उसी पॉट में मैं ये दाल जो है वो पीस रही हूँ। इसमें पानी नहीं ऐड करना है आपको, इस दाल में पानी नहीं ऐड करना पड़ता, आपको ऐसे ही पीसना पड़ता है इसे। और उसके बाद इसका पेस्ट अच्छे से बना लोगे तो इसके गोले अच्छे से बनेंगे, नहीं तो आप पानी अगर डाल दोगे तो इसके गोले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा ड्राई ही पेस्ट बनेगा इसका। तो इसी तरह से मैं सारी दाल जो है वो पीस लूँगी और उसके बाद उसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल पीस ली है पूरी और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हरी मिर्च का पेस्ट मैंने निकाला था वो 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड किया है उसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको ताकि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद आपको इसके गोले बनाने हैं। तो मैंने छोटे छोटे साइज़ के गोले बना लिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल ऐड किया है। तेल गर्म हो जाने के बाद हमें जीरा राई ऐड करनी है। जीरा राई चटकने के बाद हमें उसमें हींग ऐड करना है। हींग ऐड करने के बाद हम उसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता डालने के बाद ना थोड़ा सा तेल उड़ने लगता है। तो उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसे अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। तो हरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट आपको अच्छे से चला लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। इसको अच्छे से भून लेना है इस मसाले को। और उसके बाद आपको उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और बस जो हमने छाछ मतलब जो दही बना के रखा था साइड में वो दही हमें इसमें ऐड कर देना है। देखा ये मसाला कितने जल्दी भून जाता है, इसी वजह से हमने ये पहले ही बना के रख दिया था, फेंट के रख दिया था दही। और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है नमक। तो बस नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी उसमें डाल देना है। मतलब आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी को, मतलब ये जो दही था बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसी वजह से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ा इसमें। और वैसे भी थोड़ा सा पहले ही पानी आप ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो गोले जो है वो पानी सोख कर लेंगे और उसके बाद कढ़ी बहुत गाढ़ी बन जाएगी। इसीलिए हमें पानी थोड़ा सा पहले ही ज़्यादा ऐड करना है, मतलब थोड़ी सी पतली कढ़ी बनानी है। उसके बाद हम उसमें गोले ऐड करेंगे और हाँ, कढ़ी को बॉईल आ जाने के बाद हमें उसमें गोले ऐड करना है। अगर कढ़ी को बॉईल नहीं आया ना तो वो गोले टूट जाएंगे और उसके बाद उसका बेसन ही बन जाएगा पूरा। तो इसी वजह से आपको गोले मतलब थोड़ा सा वो बॉईल हो जाने के बाद ही ऐड करना है। और ये जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है यार, आप चावल के साथ खा सकते हो इसे, रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप वैसे भी खा सकते हो ये गोले, मतलब थोड़ा सा ऊपर से तेल ले लो, कढ़ी ले लो, गोले ले लो,
और बस आप वैसे भी खा सकते हो। और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। मेरी तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, आपकी है कि नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और बस यहाँ पर बॉईल होने दूंगी कढ़ी को, उसके बाद वो गोले पक जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से गाढ़ी बन गई थी कढ़ी, आप देख सकते हो। और ये बन गई हमारी सब्जी कढ़ी घोड़े की। तो बस ये ड्यूटी से आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे और फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए चाय बना ली थी, उसके बाद बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने पापड़ फ्राई किए थे, थोड़े से पोंगे फ्राई किए थे। और ये पापड़ थोड़े से जल भी गए थे क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसी वजह से पापड़ भी जल गए थे, थोड़े से पोंगे भी जल गए थे। तो ये अब बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। और उसके बाद मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए पपीता काट लिया था यहाँ पर। तो ये बस पपीता हम लोग सब लोग खा लेंगे। गाइस हमारा डिनर हो गया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनर में हमने क्या खाया, तो डिनर में हमने वही सब्जी खाई है जो सुबह बनाई थी कड़ी गुड़ी की, वही सब्जी अभी डिनर में भी खाई है क्योंकि बहुत सारी बनाई थी तो इसी वजह से वो अभी खानी पड़ी क्योंकि बहुत सारी बच गई थी उसमें से। और अभी मुझे डिनर बनाना नहीं पड़ा, मतलब सब्जी बनानी नहीं पड़ी, इसी वजह से जल्दी डिनर हो गया है। और अभी बज रहा है 9, तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और हाँ, इंडियन मॉम सुनित्रा का बर्थडे है आज, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन इंडियन मॉम सुनित्रा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर। और आपको सारी खुशियाँ मिले आपकी लाइफ में और आपको जो चाहे वो मिल जाए और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करो आगे। और हाँ, आपको बताना मैं भूल गई कि ये एक ब्लॉगर है, आप चाहो तो इनके चैनल को भी चेक कर सकते हो और अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। रीता वर्मा का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे डियर रीता, आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो आपकी लाइफ में मिल जाए और आपकी लाइफ में भर भर के खुशियाँ आए, यही आपके लिए गॉड से प्रे करूंगी। तो और नाम लेने के लिए भी रिक्वेस्ट आई है, तो उनका नाम है रेखा पांडे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और आपको भी आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।